हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों मैं आज आपको बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पेपर में जो पक्का आ सकते हैं, जिनकी पूरी पूरी संभावना है पेपर में आने की। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी संभावना कम है पर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है हमारा वो आता है शिक्षा का अर्थ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य और परिभाषा। शिक्षा का अर्थ या उद्देश्य, ठीक है, एक ही चीज़ है मतलब। और कई बार देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है इसके साथ साथ कि भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। इसका भी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। यानी कि ये बहुत सारी चीज़ आपको लग रही होंगी पर ऐसा नहीं है। ये जो आपके फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट बुक है एजुकेशन की, उसमें पहला ही चैप्टर है आपका जिसमें ये तीनों चीज़ कवर हो जाती है। और उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें जो बनता है उसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए और उसके उद्देश्य को भी लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 99% आपका आने ही वाला है क्वेश्चन। और लास्ट 2 साल 3 साल में भी ये क्वेश्चन बना है। पर आपको एक बात ध्यान रखने की है कि देखिए क्वेश्चन जो है कई बार घुमा भी देता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और पेपर छोड़कर तो एक नंबर का भी नहीं आना है। जहां आपने पेपर छोड़ा वहीं पे आपकी बैक आने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका शिक्षा को परिभाषित कीजिए, और ऐसे ही कई बार इसको ऐसे कर देते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना क्यों आवश्यक है। यानी क्वेश्चन वही रहता है, इसमें लिखना भी आपको वही है, थोड़ी बहुत चेंजिंग अपने हिसाब से आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है जनसंचार शिक्षा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये सेकंड बुक में यूनिट सेकंड में थर्ड चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर के अंदर से दिया हुआ क्वेश्चन है। जनसंचार शिक्षा यानी जनसंचार के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो किस किस तरीके से दी जाती है। बाकी इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, बल्कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट में जो जो सी वीडियो बनी है आप सारी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए ये जो है जनसंचार माध्यम का, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये लास्ट 2 बार बना हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आपको कह रहा हूँ एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर तीसरा आता है शिक्षा के दार्शनिक विचार, ये आपका फर्स्ट बुक में सेकेंड चैप्टर तो थर्ड चैप्टर में आता है, यूनिट फर्स्ट में थर्ड चैप्टर के अंदर है ये। इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपका नहीं है ये, ना ही इम्पोर्टेंट है, पर ये बन सकता है क्योंकि ये लास्ट 2 साल पहले बना था, फिर एक बार गैप देकर फिर बना था दोबारा से, तो इस बार थोड़ी बहुत संभावना है इसके बनने की। और मैं फिर भी 40% की संभावना आपको इसकी बता सकता हूँ। बस चैप्टर नंबर 4th में है आपके, इकाई फर्स्ट में, ठीक है। इसको एक बार अगर टाइम मिले आपको तो पढ़ लीजिएगा इसको ज़रूर, छोटे से टॉपिक हैं इसमें वो पढ़ लीजिएगा, 2-3 पेज का चैप्टर है बस, ठीक है। और नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसे नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है, 1986 वाली याद करनी है आपको, ठीक है। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड बुक में मिलता है आपको यूनिट थर्ड के अंदर जाके, यूनिट थर्ड में जो तीसरा पार्ट है उसके तीसरे उसमें जाकर मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका कई बार 20 नंबर बनता है तो कई बार 10 नंबर है, मतलब बनता ज़रूर है ये क्वेश्चन, तो इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और इसकी वीडियो भी बना रखी है मैंने। और फिर आता है आपका मारिया मोंटेसरी, ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और देखिए ये क्वेश्चन बना भी काफ़ी बार है। और मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा आपको कि आपकी जो फर्स्ट किताब है एजुकेशन की वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है बजाय दूसरे की। दूसरे में से कम क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर है आपका 5वां, उसमें इकाई 5th में फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मारिया मोंटेसरी जो है इनका चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार 10 नंबर में आया है और कई बार 20 नंबर में भी आया है। और उसके साथ साथ ही छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, जैसे कि अरविंद, टैगोर और गांधी। टैगोर की भी शिक्षा मतलब एक ही है, कहना क्या चाह रहे हैं, छोटी सी वीडियो है और सबकी वीडियो बना रखी है मैंने। तो इसमें मतलब होता क्या है कि इन तीनों में से एक आएगा आपका और आएगा पक्का, वो 20 नंबर में ही आएगा, अरविंद, टैगोर या गांधी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक आएगा पक्का आएगा आपका। होता क्या है कि देखिए एक बार अरविंद का बना दिया, एक बार टैगोर का, कभी गांधी का, कभी दो दो बार दे देते हैं गांधी का, इस तरीके से आता है। तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन सा आ सकता है उनमें से,
और हाँ, इन तीनों को ही आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी जो आपके हैं जॉन ड्यूबी वगैरह, वो क्वेश्चन बना ही नहीं है, 2-3 साल से पिछली बार से बना ही नहीं है, और इस बार भी इसकी संभावना नहीं है बनने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा में असमानता। फर्स्ट बुक में से देखिए इतना ही बनता है आपका, और जो सेकंड है शिक्षा में असमानता, ये विशेष तौर पर लैंगिक असमानता की बात भी करता है, और शिक्षा में असमानता किस किस तरीके से है इस क्वेश्चन को कई बार घुमा कर पूछता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यूनिट थर्ड में आपका सेकंड है ये, ठीक है, यूनिट थर्ड का खा है आपका, उसमें मिल जाएगा आपको ये। और बाकी देखिए यूनिट थर्ड जो है आपकी, उसमें पहला चैप्टर है, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसमें राज्य व्यवस्था को छोड़ के अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा, उसका लोकाचार पढ़ लीजिएगा, और पंचवर्षीय योजना इसको भी पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाता है। इसके अंदर से 4 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 4 टॉपिक है, तो एक टॉपिक का एक क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर कई बार, तो इसलिए इसके इस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, कल ही आपका एग्ज़ाम है, और किसी किसी बच्चों का बाद में भी आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़े लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।